हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रैको गेम्स। एक चेयर ली थी मैंने, इसकी एक वीडियो मैंने डाली थी। ये हरमन मिलर की एम्बॉडी चेयर है और ये 1,47,000 रुपये में आई थी हमारे यहाँ। अभी 1 महीने हो चुके हैं मुझे इसमें बैठते हुए, तो क्या 1.5 लाख की चेयर वर्थ इट है? जैसे सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है अगर आप 1.5 लाख की चेयर सुनोगे, कि 1.5 लाख की चेयर कौन खरीदता है भाई? मेरे दोस्तों ने कहा, ऐसा क्या है उसमें जो 1.5 लाख का है, क्या उसमें जो 1.5 लाख? तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार मैं चेयर का दिखाता हूँ कि क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की गई है इसमें, और चारों तरफ आप देख सकते हो। जब से मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, लगभग मैंने 3 चेयर बदली है, और एक सर्कल गेमिंग की है और एंट गेमिंग की भी एक चेयर आई थी हमारे पास, वो मैंने यूज़ किया है। मैंने वैसे भी चेयर यूज़ की है जो फॉरेन के जो स्ट्रीमर्स हैं वो यूज़ करते हैं, बड़ी वाली, एकदम हाइट अच्छी होती है, कर्व्ड होता है। बहुत सारी चेयर मैंने यूज़ की, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी चेयर पर आप बैठ के 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। कुछ प्रॉब्लम होता था कि किसी में आपको यहाँ पर ये आपका थाई जो सपोर्ट होता है, ये इसमें दिक्कत होती थी, ठीक है। किसी का क्या होता था कि जब आप ऐसे बैठते थे तो आपका जो पोस्चर है वो ख़राब हो जाता था। किसी में क्या होता था कि आपका जो नेक रेस्ट है उसकी प्रॉब्लम होती थी। बहुत लोगों ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि इसमें यार नेक रेस्ट नहीं दिया हुआ, इतना महंगा चेयर है, इसमें ज़रूरत नहीं है नेक रेस्ट की। जब आपके पूरे बॉडी को सपोर्ट मिलता है ना, तो आपको नेक रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस तरह का कंफर्ट मुझे 12 साल मिले, जो कि 12 साल इसकी वारंटी है, तो आप सोचो तब ये वर्थ इट है कि नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरा पैसा वसूल चेयर है अभी से लेकर। मेरे को अब चेयर बदलने की जरूरत नहीं, मैंने पिछले 3 साल में 3 चेयर बदल ली, और उसका कॉस्ट लगभग मुझे पड़ा 45,000 रुपीज। 3 चेयर 15,000 अप्रोक्सीमेटली की मैंने खरीदी थी, 45,000 गए, और वो एक भी चेयर अभी बैठने लायक नहीं है। आप उसमें प्रॉपरली, ऐसा नहीं पोस्चर ही खत्म हो जाता है उसका, या तो उसका जो मटेरियल है वो खराब हो जाता है, या फिर एक तो चेयर पे हम बैठ रहे थे जो उसका तो सिस्टम ही टेढ़ा हो गया। 15,000-14,000 की चेयर थी। तो होता क्या है कि आप 2 साल 1 साल बैठोगे चेयर पर, बढ़िया चलेगा 6 महीना शुरू में, बाद में गुड़गोबर हो जाएगा। मुझे लग रहा है ऐसा इसमें बैठ के कि ये 10 साल तक ऐसा ही रहेगा। इसके फ्रेम के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका इतना भारी फ्रेम है, देखने में ये बहुत छोटी और स्लिक चेयर लग रही है, लेकिन बहुत भारी है। और मतलब एक टफनेस का जो आपको इसको फील करोगे ना, आप इसको उठाओगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी टफ चेयर है, बहुत टफ। ऐसा नहीं कि सोफिस्टिकेटेड चेयर है, महंगी चेयर है, नहीं है, दिस इज नॉट लाइक दैट, एकदम सोफिस्टिकेटेड नहीं है। और इसको एकदम रगड़ के यूज करोगे तब भी ये एकदम 10 साल मुझे लगता है आराम से चलेगा। जितना वारंटी इसका 10-12 साल का जो भी दिया हुआ है ना इसमें वारंटी, आराम से चलेगा, तभी वो लोग कवर करते हैं। अगर आप ऐसे बैठे हुए, पूरा पूरा टच हो रहा, आप मेरी पीठ पूरी टच हो रही चेयर पे, अगर मैं इसमें रिक्लाइन कर रहा हूँ, अभी भी ऐसा लग रहा है मेरे को कि अपटाइट बैठा हुआ हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं लेट गया, आई एम सिटिंग अपटाइट। अगर मैं और थोड़ा सा ऐसे करके रिलैक्स करता हूँ अपने आप को, तो ये तो पूरा एकदम जिस साइड मुड़ो, जिधर भी आप होना चाहो, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है चेयर। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये आप बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या ज़बरदस्त बनाया इन्होंने, क्या सही टेक्नोलॉजी यूज़ की है। और हैंडरेस्ट की बात करूँ, एक पर्टिकुलर चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि अभी से पहले जितने भी चेयर यूज किए मैंने 3 से 4 महीना में, ऐसे रखने की वजह से क्या होता था, ऐसे आप रखोगे ना तो यहाँ पर डेंट पड़ता था उसमें, उसके बाद जो अंदर का मटेरियल है वो आपके यहाँ चुभना स्टार्ट कर देता था। ये हैंडरेस्ट की अगर बात करूँ तो बहुत कंफर्टेबल, मतलब इतना बढ़िया इसमें इतना बढ़िया लगता ना ये हाथ, किसी भी स्ट्रीमर के लिए अगर उसको माउस पकड़ना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये एकदम टॉप नॉच दिया, तो वो अंदर भी आ जाता है। हाँ, ये इसका हम पोजीशन आपको बताते हैं कि ये एडजस्टेबल तो है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, प्लस ये अंदर बाहर, आपको जितना मैं आपको इसको एडजस्ट करना, अगर आपको आपका हाथ ऐसे रखना है, आपको थोड़ा सा आप थोड़े चौड़े हो, थोड़ा सा बाहर रखना है तो इसको आप बाहर कर सकते हो, बाहर रख दिया मान लो, और आपको थोड़ा सा अंदर करना है, यहाँ रखना है तो यहाँ भी रख सकते हो, जिस तरह का आपका बॉडी टाइप होगा। ये ऑल इन वन चेयर बोल सकते हो, आराम से एडजस्ट होता है, हर चीज इसका एडजस्टेबल है। बैठने का क्वेश्चन है वो कैसा है? बैठने का क्वेश्चन, एक बार बैठ के देखो, ऊपर से नॉर्मल पोजीशन में बैठो। हाँ, ये लगता है कि पूरा ऐसा लगता है ना, जैसे वो जो होता है ना, एक रबर नेट टाइप का होता है जिसमें आप बैठोगे तो आपको शॉक एब्जॉर्ब करता है। फिर एक बार और बैठ के देखो।
जैसे मेरी स्ट्रीमिंग का जो टाइम था वो 5-5.5 घंटे अभी मैं कर रहा था इस चेयर के पहले तक, इस चेयर के आने के बाद मेरी स्ट्रीमिंग टाइम बढ़ के 9 घंटे हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरे को फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं आराम से कर पा रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ चेयर में। एक और प्रॉब्लम हो रही थी स्वेटिंग की, मैं पूरा एकदम 18 डिग्री 19 डिग्री की टेम्परेचर में भी मैं बैठ के स्ट्रीम करता था, दो दो पीसी चलते हैं, काफ़ी माहौल गर्म हो जाता है यहाँ पर, तो गर्मी लगती थी मुझे, और मेरा जो लोअर रहता था ना वो पसीने से पूरा भीग जाता था 6 घंटे में। अभी जिस टाइम से मैं बैठ रहा, पता नहीं किस तरह का एयर सर्कुलेशन है इसमें, पता नहीं चलता कि चेयर पर बैठा हुआ है। एक आप इस चेयर पर बैठे हो तो आपको नहीं लगा कि आप बैठ कर, आप अगर 8 घंटे बैठ कर उठोगे यू वोंट फील लाइक कि भाई बहुत देर बैठ कर उठाऊ, तो ये सब ये एक्सपीरियंस होता है। एक और चीज मैंने नोटिस किया ना कि जो साइड में यहाँ पे उठा हुआ होता है चेयर, एग्जैक्टली यहाँ से उठा हुआ होता है, तो क्या होता है कि इस तरह का होता है, ऐसा होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर सीधा भी होता है ना तो यहाँ पे लोहा पे आके खत्म होता है। उससे क्या होता है कि अगर आप ठीक है फिर भी आप अगर इसको दबाओगे ना तो दिक्कत होती है दूसरे चेयर्स में। यहाँ पे क्या है, इन्होंने बहुत केयरफुली एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का ये बनाया है। आप देखो ये कितना सॉफ्ट है, और जब आपका पैर यहाँ पे ऐसे आता है ना तो एक शॉकर के जैसा काम करता है। ये भी कंफर्टेबल, दिस इज मतलब इतना दिमाग लगा के इन्होंने बनाया है कि पैर यहाँ पे आएगा तो भी बंदे को इतना लिवरेज मिलेगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे जनरली यहाँ पे कड़ा होता है तो आप पैर ऊपर करके अगर बैठोगे तो दिक्कत होती है, बट इसमें नहीं, इसमें वो दिक्कत नहीं है। और नॉब्स के बारे में तो पता ही है आप लोगों को, इस चेयर को उस चेयर को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। आप देखो बाहर निकल गया, एक बार इसको अंदर करो, हाँ ये अंदर चला गया। हाँ आप पकड़ के अगर इसको खींचोगे ऊपर उठा के तो ये बाहर निकल जाएगा, तो आपको इतना डिस्टेंस लगभग 3-4 इंच का आपको थाई सपोर्ट, हाँ, जो अंडर थाई सपोर्ट है ना, अंडर थाई सपोर्ट 4 इंच का एक्सटेंशन मिलता है भाई, जो कि क्योंकि ट्रैको की हाइट बहुत है तो जनरली चेयर में अंडर थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता। yes. और जिस चेयर में अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है वो बहुत बड़ा चेयर हो जाता है और पीछे आपका जो बैक होगा ना वो टच नहीं होगा, ये चक्कर हो जाता है। एग्जैक्टली एक्सपीरियंस ही अलग है, इस चेयर में बैठने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। और मैं एक वही बोलना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले रिसर्च किया था कि कौन कौन बैठता है इस चेयर में, तो जब देखा कि श्राउड बैठता है यार, फिर तो सोचा चलो भाड़ में जाए, श्राउड के लिए बेटर है तो हमारे लिए बेटर है। इसके पहले जो चेयर हम लोग कंसीडर कर रहे थे हरमन मिलर एरोन, उस पर ड्रेक बैठता है। अब ड्रेक बैठ सकता है तो हम भी बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। और एक हमने देखा था कि लूसी मूवी में भी यूज किया है, तो दिस चेयर हैज बीन यूज्ड इन लूसी मूवी, उसका जो लास्ट सीन है वो पूरा इसी चेयर पे है। तो मतलब आप उस लेवल के लोग जो कोई भी चीज खरीद सकते हैं, वो अगर इतना मैंने तो कहूंगा कि अगली सा दिखने वाला चेयर पे बैठना प्रेफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली लुक वाइज आप देखोगे तो कोई भी इसमें शो नहीं है, तो अगर वो बैठने का इसमें प्रेफर कर रहे हैं और बैठ रहे हैं तो कोई तो बात होगी इस चेयर में ऐसी जो इसको डिफरेंशिएट करती है। एग्जैक्टली तो इसीलिए हमने फिर और भी बहुत सारे रिव्यू देख के खरीदा, यही कहना है कि वर्थ है, वर्थ इट, यस, वारंटी प्लस कंफर्ट, यस, टोटली वर्थ है। और लॉजिटेक का भी इस पे नया चेयर आने वाला है, तो वी कैन से दैट दिस इज द बेस्ट गेमिंग चेयर एट दिस मोमेंट। अब क्योंकि उस समय पहला दिन था तो उस समय हम लोगों ने पहली बार बैठ के जो वीडियो बनाया था, बट अब तो बहुत टाइम से ट्रैको बैठ रहा है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल सकता है कि यह चेयर काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा, एब्सोल्युटली वर्थ। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जैसे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि और ट्रैको भाई 1.5 लाख की चेयर में क्या मजा आ रहा है क्या, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो रिव्यू की बना दी जाए और बताया जाए लोगों को कि एक्चुअली में कैसा लग रहा है इसमें बैठ के। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको सपोर्ट करो, उसी के साथ सब कुछ हो रहा है। आप उस बटन को प्रेस करोगे लाल वाले को, सब्सक्राइब करोगे, तभी सब कुछ पॉसिबल है। लाइक भी कर देना, शेयर भी करो, इतनी अच्छी चेयर है। कमेंट करके बताओ कि और कहाँ देखिए आप ऐसी चेयर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।